और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तरकाशी के धरासू रेंज के दीवारी खोल बंचौरा क्षेत्र के जंगलों में आग का कहर देखने को मिला। जंगल की आग इतनी तेजी से फैलती चली गई कि एक भेड़ पालक और 16 बकरी इस आग की चपेट में आ गए। 16 बकरी और एक पालतू कुत्ते की मौके पर मौत हो गई है। आग की चपेट में आने से भेड़ पालक बुरी तरह से घायल हुआ है, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, घायल का इलाज चल रहा है। रेंज के ये जो दीवारीखोल क्षेत्र है यहाँ पर आज बहुत आग लगी हुई है, जंगल धुंधु कर जल रहे हैं। और आज बहुत दुखद घटना हुई है कि बचन सिंह जी हैं खदाड़ा निवासी, उनकी 16 बकरियां और एक कुत्ता भी आग से जलकर मर गए। और बलबीर परमार इस खबर पर और जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। बलबीर, ये बेहद दुखद हादसा है। देखिए, जानवर की मौत भी उतनी ही मायने रखती है जितनी इंसानों की हो जाए। 16 बकरियां हैं, 16 भेड़े हैं और एक कुत्ते की भी मौत हुई है। पूरी खबर विस्तार से बताइए, क्या जंगल की आग अभी भी लगी हुई है या उस पर काबू पा लिया गया है? जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके बाद अब जंगलों की जो आग है वो बिकराल देखने को मिल रही है, जिसी का नतीजा है कि अचानक जंगल में आग लगी और तेजी से फैली और जो 16 बकरी और एक कुत्ता और जो एक व्यक्ति था वो उसकी चपेट में आ गए और जो मवेशी इनकी मौत हो गई है और जो जो भेड़ पालक था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको ग्रामीणों द्वारा जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर पहुंचाया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से 3-4 दिन में गर्मी बढ़ी है उसके बाद जंगलों की आग है जो जनपद में हर रेंज में बिकराल होती हुई दिख रही है और जिसी का नतीजा है कि पूरे जनपद में धुंध छाया हुआ है और एक घटना भी घट गई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी, जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का रहेगा, तो जंगलों की जो आग है और बिकराल होने को मिलेगी। और इसके अलावा जो जंगली जानवर जो जंगलों में रहते उन पर भी संकट गहराया हुआ है, जो वेस्ट वन संपदा है उस पर भी संकट गहराया हुआ है। तो लगातार जो आग है कई रेंज में देखने को मिल रही है और बिकराल आग देखने को मिल रही है। और कह सकते कि आने वाले दिनों में भी मौसम से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो जो घटनाएं हैं लगातार अभी आग पर काबू पाया गया है। बलबीर, काबू नहीं पाया जा सका है, लगातार जो वन विभाग के कर्मी है वो मौके पे डटे हुए हैं। पर जिस तरह से आग लग रही है, क्योंकि एक एक घटना जैसी यहाँ दीवारी खोल में घटी है आग की, उसके बाद और जगह भी आग की घटनाएं आ रही है, तो लगातार वन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पर बड़ी खबर यही है कि इसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से आग की चपेट में आया है और 16 बकरी और एक कुत्ते की मौत आग के कारण हो चुकी है। जी, शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पहाड़ों में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग परेशान हो गए हैं। गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत से लोग भी परेशान हैं, तो प्राकृतिक स्रोत भी अब सूखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गढ़वाल क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। बढ़ती गर्मी से प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कई जगहों पर 2 से 3 महीने से पानी की नियमित तौर पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जोशीमठ में पानी की वैसे ही दिक्कत है, ऊपर से 4 धाम यात्रा भी चल रही है जिससे लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ बहुत दिनों से पानी की समस्या है, किसी के यहाँ भी पानी नहीं आ रहा और बहुत दिनों से, किसी के यहाँ तो 1 साल से नहीं आ रहा पानी, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो 1-2 महीने से पानी नहीं आ रहा। जोशीमठ नगर में NTPC जल विद्युत परियोजना और जल निगम के बीच दीर्घकालीन पेयजल योजना को लेकर समझौता हुआ है जो लगभग 16 करोड़ का है। साल 2010 में स्वीकृत हुई ये योजना आज भी अधर में लटकी हुई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस तरह से इस बार की गर्मी का जो आगाज हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो सारे स्रोतों में पानी की कमी हुई है, तो इसका पूरा जो श्रेय जाता है, क्योंकि जोशीमठ के लिए दीर्घकालिक पेयजल योजना NTPC के द्वारा 16 करोड़ में पास हुई थी और लगभग 2010 में ये योजना पास हुई थी। आज 14 सालों के बाद भी इस पे मात्र 3 या 4% कार्य हुआ है। चाहे वो टैंकर के माध्यम से हम पानी उपलब्ध करवाएं उसका हम प्रयास करवा रहे हैं। और जो एक दीर्घकालिक योजना की आप बात कर रहे हैं, पेयजल निगम NTPC
के माध्यम से एक वैकल्पिक जो पेयजल योजना है उस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी उसकी प्रगति काफ़ी कम है। उसको बढ़ाने के लिए संबंधित विभाग से हमने लगातार समन्वय हम कर रहे हैं और उसमें हम प्रगति लाएंगे। पानी की समस्या केवल चमोली में ही नहीं है, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी क्षेत्र में भी पानी की समस्या है। ऐसे में पेयजल योजना को लेकर ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं विकास नगर के कुंजा गांव में पेयजल लाइनों में पानी की कमी से लोग बेहद परेशान हैं। पानी की किल्लत यहां पर लोगों को परेशान कर रही है और साल 2020 में कुंजा गांव पंचायत को लेकर हर घर जल से जोड़ने वाली पेयजल योजना का काम शुरू हुआ। 2.5 करोड़ की लागत से दिसंबर 2023 में ट्यूबवेल और टैंक बनाकर तैयार कर दिए गए, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस योजना का पानी जो है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों की माने तो विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अभी तक कनेक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया। वहीं विभाग का कहना है कि कम वोल्टेज की वजह से पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। एक महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और सर्दियों में पूरी रात रात पानी छोड़ता है, गर्मियों में जब जरूरत होती है तब पानी नहीं होता बिल्कुल भी। और इससे ये नहीं कि हम ही परेशान है, पूरा गांव परेशान। थोड़ी लो वोल्टेज की समस्या रहती है, उसे लिए भी हाइडल से लगातार संपर्क किया जा रहा है और किसी भी तरह की किसी भी आदमी को पेयजल के वंचित नहीं रखा जाएगा। कोई भी अगर ऐसी समस्या आती है, हमारे टोल फ्री नंबर है, हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर उपलब्ध है, वहाँ पे फोन करके टैंकर या किसी भी तरह की संभावना है तो हम उनको टैंकर भी उपलब्ध करेंगे। मौसम का पारा बढ़ते ही ऊर्जा प्रदेश में भी बिजली की आंख मिचोली शुरू हो गई है। आलम तो ये है कि राजधानी देहरादून में ही जनता बिजली ट्रिपिंग और कटौती से परेशान हो गई है। वैसे तो उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन गर्मियां शुरू होते ही जनता को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में हर आधे घंटे में बिजली ट्रिपिंग और कटौती से जनता परेशान है, तो वहीं प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में तो 3 से 5 घंटे तक कटौती चल रही है। जब यहाँ से लाइट मिल रही है, यहाँ लाइट किसको नहीं चाहिए, पहले तो फ्री हो, ये तो उसका रेट कोई कम तो हो। और चलो रेट भी कम नहीं है, रेट बढ़ाते जाते हर साल, लेकिन लाइट फिर भी नहीं है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच चल रहा है, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ने लगी है। हर दिन प्रदेश में बिजली की खपत 58 मिलियन यूनिट से लेकर 60 मिलियन यूनिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन बिजली उत्पादन सिर्फ 24 मिलियन यूनिट ही प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिल पा रही है, जबकि केंद्र और दूसरे स्रोतों से करीब 22 मिलियन यूनिट मिल पा रही है। फिर भी कमी के चलते उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन हर दिन औसतन 6 से 8 रुपए की करीब 10 से 12 मिलियन यूनिट बिजली बाजार से खरीदता है। आप अधिकारी भी बिजली की खपत कम करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, सभी उपभोक्ताओं से मैं अपील करता हूँ कि विद्युत उपकरण जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज, एसी इत्यादि है, उसमें मितव्यता से उपयोग करें। एसी की सेटिंग जो है अक्सर लोग 18 से 18, 19, 20 करते हैं, मैं समझता हूँ कि उसे 24 और 25 पर रखना सुनिश्चित करें। और एक सदस्य एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो उस कक्ष की लाइट, पंखा, एसी, कूलर इत्यादि को स्विच ऑफ कर दें। जिस तरह से बिजली के उत्पादन और खपत में लगभग 3 गुना का अंतर दिख रहा है, उससे ये साफ है कि जैसे जैसे पारा बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन सीमित होने से कटौती फिलहाल रुकने वाली नहीं है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।